नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मित्रों न्यूमरोलॉजी के बारे में वार्ता करूंगा। इससे पहले मैंने 9 नंबर में जन्मे लोगों का भविष्य कैसा रहता है, न्यूमरोलॉजिकल टेक्स्ट क्या कहती है, इसके बारे में बताया था। आज मित्रों मैं 8 नंबर यानी कि 8 तारीख, 26 तारीख, 17 तारीख में जो लोग जन्मे हैं उनका फ्यूचर कैसे रहता है, प्राचीन न्यूमरोलॉजिकल टेक्स्ट क्या कहती है, इसके बारे में बताऊंगा। 17 तारीख में भी 1+7 यानी कि 8, ये भी 8 नंबर से कंट्रोल्ड है। 26 तारीख को जन्मे किसी भी महीने के 2+6 यानी कि 8, ये भी 8 तारीख से कंट्रोल्ड है। मित्रों न्यूमरोलॉजी का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। अगर हम बहुत पुराना इतिहास देखें तो हम पाएंगे हर सभ्यता में कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी का प्रयोग किया गया है। आप भी अपने जीवन में देखेंगे कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे जो उम्र के किसी भी पड़ाव में उन आया होगा, वहाँ पर भी नंबरों का असर आप देख पाएंगे। ऐसा न्यूमरोलॉजी का मानना है। मित्रों आज का नंबर है, जिन लोगों का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, जो 8 नंबर से कंट्रोल होते हैं। 8 नंबर सैटर्न यानी कि शनि देवता का नंबर है। दुनिया के बड़े से बड़े लोग का जन्म 8 तारीख को हुआ, जैसे जॉर्ज बर्नर्ड शाह, 26 जुलाई, ये भी 8 नंबर आता है, 2+6। क्वीन मैरी, 26 मई। किंग एल्बर्ट ऑफ बेल्जियम, 8 अप्रैल। सर हैम्फ्री डेवी, 17 दिसंबर। रिचर्ड फर्स्ट, 8 सितंबर। ये मित्रों वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा अपने काम से दुनिया को चौंका दिया, अपने कर्मों से दुनिया में अपना नाम छोड़ के गए। इन सब का जो डेस्टिनी नंबर था वो 8 तारीख ही था। मित्रों 8 नंबर शनि ग्रह से कंट्रोल होता है, यानी कि 8 नंबर, 17 तारीख, 26 तारीख, ये तीनों नंबर शनि ग्रह से कंट्रोल होता है। शनि का इफेक्ट बहुत तेज होता है यदि 21 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में अगर जन्म हुआ है। 8 तारीख को जन्मे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मिसअंडरस्टूड होते हैं। दूसरे लोग बिना कोई कारण के, बिना कोई वजह के उनको गलत समझते हैं। वे दिल के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शनि का प्रभाव रहता है, इस कारण ये घटनाएं होती हैं। ये लोग इन्हीं कारणों से अपने आप को मनी मन बहुत अकेला समझते हैं, एकांत में रहते हैं। लेकिन उनके पास अपनी पर्सनैलिटी का एक बहुत पावरफुल इनर स्ट्रेंथ होता है। ये लोग जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट पावरफुल रोल एक समय आकर करते हैं क्योंकि शनि इनका डेस्टिनी नंबर है।
ये एक फैटलिस्टिक नंबर है। ये व्यक्ति को फैनेटिक भी बनाता है, ये व्यक्ति को रिलीजियस मैनिया भी क्रिएट करता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत अपोजिशन का भी सामना करना पड़ता है, वे बहुत बिटर और रिलेंटलेस एनिमीज भी क्रिएट करते हैं। 8 तारीख को जन्मे व्यक्ति बड़े कोल्ड और अनडेमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, लेकिन बाय हार्ट बहुत दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति उनके मन में बहुत दया रहती है, लेकिन वे अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं और लोग उनको समझ नहीं पाते। न्यूमरोलॉजी की प्राचीन टेक्स्ट कहती है कि 8 नंबर के व्यक्ति या तो जीवन में ग्रेट ग्रेट सक्सेस होते हैं या ग्रेट ग्रेट फेलियर्स होते हैं। 8 तारीख वाले यदि एम्बिशियस हैं तो पब्लिक लाइफ और गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बहुत बड़े पद भी पहुंचते हैं, और कई बार देखा है कि ऐसे लोग शनि के इफेक्ट के कारण बहुत बड़े पद देश के पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें उनको बहुत सेक्रीफाइस अचानक देना पड़ता है। वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू, सांसारिक सुख के लिए ये लकी नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने विवाह में सांसारिक सुख के लिए लकी नहीं होते हैं, क्योंकि शनि का इम्पैक्ट रहता है। छोटे भाव में कहा जा सकता है, टेक्स्ट ये भी कहती है कि ऐसे लोगों को ग्रेटेस्ट सॉरोस, लॉस और ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण है कि शनि का इम्पैक्ट आता है डेट ऑफ बर्थ के पहले नंबर में। मित्रों, मैं बता दूं, 8 नंबर जिनका डेस्टिनी नंबर है, इनका लकी कलर है डार्क ग्रे, ब्लैक, डार्क ब्लू और पर्पल। ऐसे लोग यदि ऐसे कलर पहनते हैं तो उनको काफ़ी लाभ होता है। 8 नंबर शनि का नंबर है, सैटरडे इनका इम्पॉर्टेंट डे है। इसलिए इस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को शनिवार, रविवार और सोमवार को अपना इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए। 8 तारीख को जन्मे व्यक्ति कोई भी काम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यदि 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख किसी भी महीने में करते हैं तो इनको कॉस्मिकली बहुत फेवरेबल वाइब्रेशंस मिलेगा और सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इनका लकी स्टोन एमिथिस्ट और डार्क टोन्ड सैपायर होता है। ब्लैक पर्ल भी और ब्लैक डायमंड भी ये लोग पहन सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की प्राचीन टेक्स्ट मानती है कि 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर जिनको शनि कंट्रोल करता है, बड़ा डिफ़िकल्ट डेट ऑफ बर्थ है जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स टू वर्ल्ड्स, वन वर्ल्ड इज योर्स मेटरलिस्टिक वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कभी तो आप बहुत मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में जाते हैं, फिर दुख पाते हैं, तो एकदम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हैं। ऐसा व्यक्ति दोनों ही तरफ भागता है। ये 4+4 8 का भी कॉम्बिनेशन है। आठ नंबर एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट्स ऑफ फेट, शनि का नंबर माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट कहती है कि 8 नंबर वाले क्रांति, एनार्की, वेवर्टनेस, इसेंट्रिक, मैडनेस, एलूफनेस, आइसोलेशन ये क्रिएट करता है जीवन में। ये जीवन में आपको अकेला कर देता है।
आप मन में अकेले अकेले जाओगे, अकेले अकेले साधना और पूजा करते रहोगे। कई बार ऐसे लोग इसेंट्री भी हो जाते हैं। इनका दूसरा साइट है फिलोसॉफिक साइट, जिसके कारण वे लोग ऑकल्ट स्टडीज, रिलीजियस डिवोशन के पीछे फैनेटिक होते हैं, भागते हैं। जो भी नंबर 8 तारीख को व्यक्ति जन्मे हैं, वे अपने आप को कुछ ना कुछ अलग जरूर पाएंगे। दिल से वे अपने आप को बहुत अकेला समझते हैं, लोग उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं। वे लोगों का भला करते हैं लेकिन उनका कोई भला नहीं करता। कहते हैं कि मृत्यु के बाद इनकी नाम की गाथाएं गाई जाती है, और 8 तारीख वालों को मृत्यु के बाद बहुत ट्रिब्यूट्स दिया जाता है। कुछ वे ऐसा कोई काम छोड़ के जाते हैं। तो मित्रों, आज की वार्ता ही समाप्त करता हूँ। आज आपने देखा कि 8 नंबर किस प्रकार न्यूमरोलॉजी में लाइफ को इन्फ्लुएंस्ड करता है, जो कि शनि का नंबर है। देखते रहिएगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।